हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल जानकारी। आज हम BSNL के रिचार्ज वाउचर्स के बारे में बात करेंगे और वैलिडिटी एक्सटेंशन पैक को भी साथ में देखेंगे और देखेंगे कि कितने का वाउचर आता है। अभी जो लॉकडाउन पीरियड चल रहा है उसमें सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है वो BSNL यूजर्स को आ रही है। क्यों? क्योंकि BSNL ने जो न्यू प्लान लॉन्च किए हैं उसकी जानकारी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे नहीं है। इवन जो BSNL के ऑफिशियल जो वेबसाइट्स हैं, जो झारखंड या बिहार या यूपी के जो पोर्टल्स हैं उस पर इन्होंने अपडेट भी नहीं किया है। मैंने ऑफिशियली देखा है और आपको एक एक प्लान की डिटेल जानकारी विथ 100% ऑथेंटिकेशन मिलेगी। आप इस प्लान को डायरेक्टली रिचार्ज कर सकते जब तक ये प्लान चेंज ना होगा। अभी 14 मई 2020 है, उसके बाद अगर ये प्लान चेंज होती है तो मे बी ये दिक्कत हो सकती है, बट अभी कुछ दिनों तक तो ये प्लान चेंज नहीं होने वाली। आप आंख बंद करके रिचार्ज करा सकते हैं। मैं आपको स्टेट वाइज एवरी इंफॉर्मेशन दूंगा कि वैलिडिटी एक्सटेंड करने के लिए कितने का पैक है और आप कितने का रिचार्ज करा सकते हैं। इसलिए आप बेझिझक रिचार्ज कराइए बिना कुछ सोचे समझे, और इवन आप ट्रस्ट कर सकते हैं। मैंने इसे अच्छे से चेक किया है। इवन मैं आपको स्टेट वाइज लिख करके दूंगा कि ये इस स्टेट की है। एक एक जानकारी पूरी डिटेल में होगी। आप बस वीडियो को ध्यान से देखें, जिस भी स्टेट में रहते हैं आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी और आपको मिसगाइड बिल्कुल नहीं किया जाएगा। इस चैनल का मोटिव ही यही है कि मैं आपको जो मिसगाइड कर रहे हैं उस चीज़ से आपको बचाऊँ और आपको एक सही एवं सटीक जानकारी दूं, ताकि आप हमेशा टेक्निकल मामले में अपडेटेड रहें और अपने नॉलेज को एक्सटेंड करते रहें, आपको ज़्यादा परेशानी भी ना हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम झारखंड का देखेंगे, झारखंड के वैलिडिटी एक्सटेंशन प्लान के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो मैं इसे देखिए, मैंने झारखंड सेलेक्ट किया है। झारखंड सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे OTP डाल के चेक करता हूँ और सबमिट किया। सबमिट करने के बाद ये देख सकते हैं पॉपुलर डेटा वाउचर्स के जो पैक आ गए हैं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, आप इसे बाद में चेक भी कर सकते हैं। वेबसाइट ये है portal2.bsnl.in। ये इंडिया वाइज वेबसाइट है, आप कहीं भी इंडिया में हैं, ये ओवरऑल वर्ल्ड वाइड है, बट आप इंडिया के किसी भी स्टेट में हैं आप इसे रिचार्ज कर सकते हैं ईजिली। इस पोर्टल पे जा करके आप डायरेक्टली पे करके इसे रिचार्ज कर सकते हैं। इसमें आपको स्टेट सिलेक्शन का ऑप्शन आता है, उसके बाद आप वाउचर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको खुद से रिचार्ज करने के लिए, चाहे आप फोन पे यूज़ करते हो या गूगल पे यूज़ कर सकते हो या फिर पेटीएम, आपको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे प्लान एक्सटेंशन का कोई ये नहीं है। इसलिए ये झारखंड का है, ध्यान रखिएगा ये झारखंड का प्लान एक्सटेंशन है। क्यों? क्योंकि किसी किसी में कोई प्लान काम नहीं कर रहा है किसी किसी स्टेट में। तो मैं आपको ये झारखंड का बता रहा हूँ, ध्यान रहे। ये देखिए प्लान एक्सटेंशन झारखंड की, झारखंड की जो पैक है वो 74 है, 75 है विथ 90 डेज कैलेंडर डेज वैलिडिटी। और इसमें आपको आप डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स मिल जाएंगी। जस्ट ये लोड ले रहा है। ये देखिए आपको 74 रुपीज़ में 2 GB डाटा मिलेगा 15 डेज के लिए विथ 100 मिनट फ्री वॉइस। उसके बाद ये आपको ट्यून्स दे रहा है, सिग्नेचर ट्यून्स ओनली फॉर 60 डेज। तो ये भी है, इस पर रोमिंग भी देंगे आपको 15 डेज के लिए, और ये 75 की प्लान है। तो आपको इसमें वो डिटेल आप खुद देख लीजिएगा, लेकिन जो वैलिडिटी एक्सटेंशन के जो प्लान है मैं आपको डायरेक्टली एक बहुत ब्रीफ ले जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए। तो ये देखिए 74 का प्लान है, इसमें 75 का 90 डेज वैलिडिटी, 108 की FRC है 60 डेज के लिए। फिर PV मेनली जो आप करा सकते हैं अगर आप पुराने यूजर्स हैं BSNL के लिए, तो वैलिडिटी एक्सटेंशन पैक अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आप झारखंड में हैं तो आप 90 डेज वैलिडिटी के लिए 74 बेस्ट प्लान होगा, फिर आप 75 डलवा सकते हैं। कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, वही थोड़ी बहुत जो मिनट्स है वो एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपको फ्री कॉल्स के लिए। और फिर आप उसके बाद एक और पैक है जो आप डला सकते हैं, ये 365 का। ये आपको जो वैलिडिटी देगा वो 365 डेज, 1 ईयर की वैलिडिटी देगा। उसके बाद इसमें एक स्पेशलिटी है, वो ये है कि 2 GB डाटा फॉर 60 डेज आपको मिलेगी। ये देखिए इसमें इसमें आपको एक्स्ट्रा बातचीत का भी मिनट मिलेगा। ये देखिए आपको अनलिमिटेड डाटा रिड्यूस्ड आफ्टर 2 GB पर डे डेटा प्लस 100 SMS एंड फॉर 60 डेज, फर्स्ट 60 डेज 365
डेज में आपको फर्स्ट 60 डेज के लिए आपको 2 GB डेटा पर डे मिलेगा। ये 365 प्लान की है और 365 डेज आपकी वैलिडिटी होगी। आपको 365 डेज तक आपको कोई भी वैलिडिटी रिचार्ज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आप ये देख सकते हैं 429 में 81 डेज की वैलिडिटी है, उसमें आपको डेटा मिलेगा कुछ एक्स्ट्रा। और ये सारे प्लान्स हैं, टोटल 14 प्लान्स अप्रॉक्स हैं जो झारखंड स्टेट में वर्क करती हैं। आप इसमें से कोई भी रिचार्ज कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूँगा आप 74 और 75 और 365, ये तीन प्लान में कोई भी प्लान आप रिचार्ज करा सकते हैं अगर आप झारखंड के हैं तो। चलिए मैं स्टेट को स्विच कर सकता हूँ, करता हूँ और आपको बिहार ले चलता हूँ। ये देखिए मैंने बिहार सेलेक्ट किया है। अब ये बिहार के यूजर्स के लिए है। आप ध्यान से देखेंगे कि बिहार में कौन कौन सा प्लान वर्क करेगा और कौन सा प्लान नहीं वर्क करेगा। मैं मेजरली तीन प्लान्स की बात करूँगा, वो मेनली वो तीन प्लान ये होंगे 74, 75 एंड 365। तो सबसे पहले बिहार के लिए एंटर कर रहे हैं और ये देखिए ये सिर्फ बिहार यूज़र के लिए है, तो सिर्फ बिहार यूज़र ध्यान देंगे। और स्टेट वाइज हो सकता है कोई प्लान उसमें काम ना करे, किसी किसी स्टेट में कोई कोई प्लान काम नहीं करता है, इसीलिए मैं स्पेशली सारे स्टेट्स का चेक करके बताऊंगा कि आपको 74, 75 और 365 वर्क कर रहा है या नहीं। ये देखिए बिहार के लिए भी 74, 75 एंड 365 वर्क करेगा। आप इजीली रिचार्ज करा सकते हैं, यही तीन प्लान है, बाकी बहुत सारी प्लान्स हैं जो आप रिचार्ज करा सकते हैं। ये 1999 का भी प्लान है जो आपको मे बी एक्स्ट्रा डाटा दे, और फिर ये आप इसे चेक कर सकते हैं, बट मैं चेक कर देता हूँ। ये बिहार यूजर्स के लिए, ध्यान रहे ये सिर्फ और सिर्फ बिहार यूजर्स के लिए है। 3 GB डाटा पर डे मिलेगा आपको, और ये 1999 का प्लान है जिसमें 365 डेज की वैलिडिटी है। 3 GB पर डेटा पर डे आपको डेटा मिलेगा। इसमें 100 SMS प्लस अनलिमिटेड चेंज ऑप्शन के साथ आपको लोकधुन 365 डेज के लिए मिलेगी, वो कॉलर ट्यून जिसको कह सकते हैं हम लोग। और ये 74, 75 एंड 365 यही प्लान है, बाकी आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ये बिहार यूजर्स के लिए है। अब हम चेंज करते हैं स्टेट को और देखते हैं डिफरेंट स्टेट के लिए। अब हम चेंज कर रहे हैं यूपी ईस्ट को। यूपी ईस्ट, ये रही यूपी ईस्ट, और फिर ये OTP। ये यूपी ईस्ट के लिए है, इसको ध्यान दीजिएगा, ये यूपी ईस्ट वालों के लिए है। इसमें भी आप देख सकते हैं सेम प्लान है, 74 वर्किंग है, 75 वर्किंग है एंड 365, ये तीनों प्लान वर्किंग है। बाकी आपकी मर्जी, आप 1999 भी करा सकते हैं, 1699 भी करा सकते हैं, 300 दिन की वैलिडिटी है, फिर आप 999 भी करा सकते हैं, 240 दिन की वैलिडिटी, ये आप पे डिपेंड करता है। बट ये 365, 74 एंड 75 बेस्ट प्लान एक्सटेंशन आपका है, ये आपकी वैलिडिटी को इंक्रीज कर देगा और आपको किसी तरह की कोई ये भी नहीं होगी। तो ये बेस्ट है, आप 74, 75 एंड 365 का रिचार्ज कराएं। यूपी ईस्ट के लिए भी आप यही कर सकते हैं। उसके बाद यूपी वेस्ट देखते हैं हम। यूपी वेस्ट में भी आई होप कि सेम प्लान वर्क करे, 3947 ये OTP है, मैंने OTP डाला। उसके बाद ये प्लान एक्सटेंशन पे क्लिक किया मैंने। अब देख सकते हैं आप ये यूपी वेस्ट के लिए, ध्यान रहे ये यूपी वेस्ट के लिए। यूपी वेस्ट में भी आप देख सकते हैं 74, 75 एंड 365 वर्किंग है। यहाँ पे भी आप ये तीनों प्लान को रिचार्ज करा सकते हैं। यहाँ पे 1999 का पैक नहीं है, ध्यान रहे यहाँ पे 1999 का पैक नहीं है। मैंने कहा था ना कि कुछ जगह पे कोई प्लान वर्क नहीं करता, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1999 का प्लान नहीं है। आप इस यूपी वेस्ट में आप 1999 का प्लान रिचार्ज नहीं कर सकते, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप 1999 का प्लान यहाँ पर रिचार्ज नहीं कर सकते। बाकी आप देख सकते हैं 365 वर्किंग है और 74 एंड 75 बोथ आर वर्किंग। तो अब हम चलते हैं दूसरे स्टेट की ओर, यूपी हो गया। अब जो स्टेट है वो हम बिहार ले चुके हैं, छत्तीसगढ़ देखते हैं। छत्तीसगढ़ में 9638 63,
चेक करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं प्लान एक्सटेंशन पे क्लिक करते हैं, बाकी प्लान्स को देखने का उतना वक्त नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए 74 वर्किंग है, 75 वर्किंग है, और फिर देख सकते हैं 365 वर्किंग है, बट यहाँ पे 1999 भी वर्किंग है। ये 1999 का जो प्लान है इसमें आप देख सकते हैं यूपी वेस्ट में नहीं था और यहाँ पे है, मतलब आप इसको रिचार्ज करा सकते हैं। बट यहाँ पे एवरी स्टेट में एक चीज़ कॉमन मिल रही है, वो ये है कि 74, 75 एंड 365 ये तीनों प्लान वर्किंग है। आप किसी भी स्टेट में हो ये रिचार्ज करा सकते हैं। बट फिर भी हम कुछ स्टेट्स को और चेक कर लेते हैं। ये छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ के बाद हम चेक करते हैं चंडीगढ़ की, चेक करते हैं चंडीगढ़ ओटीपी 9622228642। ये चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ में जो है वो आप देख सकते हैं 74 वर्किंग है, 75 वर्किंग है, 365 वर्किंग है, यहाँ पे 1999 भी वर्किंग है। ये 1999 का प्लान यहाँ भी वर्क कर रहा है, मतलब लगभग एवरेज एक प्लान तीन, ये जो तीन है ना 74, 75 एंड 365, 74, 75 जो 1990 डेज का प्लान है, और फिर 365 ये जो प्लान है वो आप देख सकते हैं कि 365 डेज का प्लान है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है और ये लगभग हर जगह वर्किंग है, आप इसे रिचार्ज करा सकते हैं। अब हम लोग कुछ और मेजर जगह देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, चेन्नई, दमन, दीव, गुजरात, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल को हम लोग देखते हैं, वेस्ट बंगाल की जो प्लान है वो 3591 56। सबमिट। ये देखिए ये वेस्ट बंगाल का प्लान है, 74 वर्किंग है, 75 वर्किंग है एंड 365 वर्किंग है। आप देख सकते हैं ये तीनों प्लान वर्किंग है, बाकी आप देख नीचे देखिए 1999 का भी प्लान वर्किंग है। अप्रोक्स सारे प्लान जो मेजर प्लान है वो हर स्टेट में कॉमन है, तो आप नॉर्मली इसे रिचार्ज करा सकते हैं। कुछ स्टेट में बेबी कुछ प्रॉब्लम हो तो उसे आपको चेक कर लेनी होगी। इवन देन जिस स्टेट के लिए जो प्लान मैंने बता दिया है वो 100% वर्किंग है, आप ट्रस्ट करके आप रिचार्ज कर सकते हैं, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। उसके बाद भी मैं कुछ स्टेट्स का और चेक कर देता हूँ। वेस्ट बंगाल हो गया, मध्य प्रदेश का चेक करते हैं हम। मध्य प्रदेश में 6822652। मध्य प्रदेश की प्लान एक्सटेंस ये देखिए 74 वर्किंग है, 75 वर्किंग है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 365 भी वर्किंग है, और आगे आते हैं बहुत सारी प्लान्स है, 1999 भी वर्किंग है। जो मेजर प्लान्स है वो वर्किंग है। अगर आप किसी और पैक को रिचार्ज कराना चाहते हैं तो आप पोर्टल 2.bsnl.in पर जा करके आपका वो जो ये लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, quickrecharge.do, इसको आप क्लिक करके डायरेक्टली BSNL पोर्टल पे जा सकते हैं। ये BSNL इंडिया की पोर्टल है जिसपे आप डायरेक्टली किसी भी स्टेट के हो आप नंबर डाल करके डायरेक्टली पे करके रिचार्ज कर सकते हैं, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। मैंने आपको दिखाया कुछ स्टेट्स का, फिर भी हम कुछ कुछ और स्टेट्स का देख लेते हैं। मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश के बाद फिर हम देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में देखिए इसकी ओटीपी है 2397 25। देखिए इसमें एक और प्लान है 30 डेज वैलिडिटी के लिए, 56 का प्लान है 30 डेज वैलिडिटी के लिए, 56 का प्लान है, फिर 74 वर्किंग है, 75 वर्किंग है एंड
389 कैलेंडर डेज के लिए इसमें कुछ लिखा नहीं है इन्होंने, 389 का प्लान है। 365 में इन्होंने 60 डेज का प्लान दिया है, तो इसमें ये शायद 2 GB डेटा दे रहे होंगे, तो इसमें 365 का वर्किंग नहीं है, ये 389 है। इसमें क्लियर कुछ लिखा नहीं है इन्होंने, सिर्फ कैलेंडर डेज लिखा है। 399 का प्लान है जो 80 डेज का है, और फिर आप नीचे आइएगा तो 1999 का है जो 365 डेज का प्लान है। तो ये देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी दिक्कत है हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में थोड़ी सी दिक्कत है। 74 और 75 आपका यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन रहेगा जो आप रिचार्ज करा सकते हैं, जिसमें आपको 90 डेज की वैलिडिटी मिल जाएगी और आपको 2 GB डेटा भी मिल जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश में देखा आपने सारे प्लान्स चेंज हो गए हैं, इसमें आपको बहुत ही सावधानी से रिचार्ज करना है, क्योंकि रिचार्ज शॉप जो है वो मोस्टली खुले नहीं है, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, तो इसको खुद ही रिचार्ज करना है। और जो फ़ोन पे या पेटीएम में जो रिचार्ज हो रहे हैं वो रिचार्ज आपको वहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है कि वैलिडिटी एक्सटेंशन के लिए कौन सा प्लान है, तो आपको सावधानी से ये देखना है कि वैलिडिटी एक्सटेंशन के लिए कौन सा प्लान है, विद ये सावधानी भी रखनी है कि आपको कहीं ये कर सकते हैं आप कि हाँ भाई डेटा प्लान डाल लें अगर आप, तो आपकी वैलिडिटी इंक्रीज कर जाएगी, बट अगर आप डेटा प्लान नहीं डाल रहे हैं तो 74 या 75 या 365 के साथ आप जा सकते हैं, जिससे आपकी वैलिडिटी 90 डेज और 365 डेज साइमल्टेनियसली बढ़ जाएगी। तो अब हिमाचल प्रदेश के बाद हम देख लेते हैं, हमने वेस्ट बंगाल देख लिया, कोलकाता तो लगभग सेम ही है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं, और फिर यूपी वेस्ट, राजस्थान देख लेते हैं हम लोग, राजस्थान में मे भी थोड़ा डिफरेंस हो, 947593 और ये सबमिट किया। सबमिट के बाद हम प्लान एक्सटेंशन पे जाएंगे, प्लान एक्सटेंशन में देखिए 74 वर्किंग है, 75 वर्किंग है, फिर 365 वर्किंग है, और फिर 1999 भी वर्किंग है, 1999 का भी प्लान वर्किंग है। कहने का मतलब है 74, 75 एंड 1999 और 365, ये चार प्लान जो एवरेज स्टेट्स में है वो कॉमन है, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गई इनको छोड़ करके, और फिर आपका यूपी वेस्ट में 1999 का प्लान नहीं था, हिमाचल प्रदेश में तो टोटल चेंज था, सिर्फ 74 एंड 75 कॉमन था, 365 अलग था, 1999 भी नहीं था वहाँ पे, या शायद चेक कर लें वीडियो को पीछे ले जा करके और देखें कि उसमें था या नहीं था। कहने का मतलब है 74, 75 एंड 365 कॉमन प्लान है, आप जब रिचार्ज करने के लिए portal2.bsnl.in पे जाएं तो सावधानी से अपना स्टेट सेलेक्ट करें और फिर रिचार्ज करें। इंडिया वाइज वेबसाइट है portal2.bsnl.in, आप इजीली रिचार्ज कर सकते हैं, आपको किसी तरह की दिक्कत आने वाली नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।